हाय गाइस, इस वीडियो में रियलमी का जो अपकमिंग फोन लॉन्च होने वाला है रियलमी GT सीरीज का, रियलमी GT Neo 2 के बारे में बताएंगे। यहाँ पर फोन के बारे में जितना डिटेल्स मुझे पता चला, फोन इसी महीने में लॉन्च होने वाला है। ऐसा मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जितना डिटेल्स मुझे पता चला कि इस महीने में मतलब सितंबर में ग्लोबली लॉन्च होगा और अक्टूबर में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। फोन के बारे में जितना डिटेल्स यहाँ पर मिला, अगर फोन इसी प्राइस में फोन लॉन्च होता है तो शायद ये पहला फोन होने वाला है जो इस प्राइस में सबसे ज्यादा फीचर्स ऑफर करने वाली फोन होने वाला है। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, आपको समझ में आएगा ऐसा मैंने क्यों कहा। फोन में 6.62 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी फोन में मिलेगा। फ्रंट साइड में 5 चौल कैमरा मिलेगा जिसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और बैक साइड में 3 कैमरा मिल सकता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और शायद 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिल सकता है। यहाँ पर बैक साइड में 3 कैमरा के साथ 2 LED फ्लैश लाइट भी बैक साइड में मिलेगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फोन में 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और 50 वाट चार्जर और 65 वाट चार्जर दोनों में कोई भी एक चार्जर मिल सकता है। 65 वाट का भी हो सकता है और 50 वाट का भी हो सकता है। इन डिस्प्ले सेंसर जो फोन में मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फोन में मिलेगा। और यहाँ पर फोन में जो मुझे लग रहा है कि पिक्चर देख के लग रहा है, जो हेडफोन जैक के लिए जो पोर्ट मिलता है शायद यहाँ पर नहीं मिलेगा। GT Neo 2 में वर्चुअल रैम का भी फीचर्स मिल सकता है। वर्चुअल रैम का फीचर्स जो सबसे पहले GT सीरीज में लॉन्च किया गया था, इससे आप अपना जो रैम है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर बात करें फ़ोन की प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर फोन में GT Neo 2 में स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिल सकता है जो एक 5G प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर को इससे पहले OnePlus 9R में दिया गया था जो एक प्रीमियम रेंज का फ़ोन है, और जो OnePlus का जो अपकमिंग फ़ोन लॉन्च होने वाला है OnePlus 9RT में भी शायद ये प्रोसेसर मिल सकता है। इस प्रोसेसर का कुछ क्लॉक स्पीड है 3.2 GHz का क्लॉक स्पीड है, मतलब इसका एंड्रॉइड स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो एक प्रीमियम रेंज का फोन का प्रोसेसर आपको इस फोन में मिलने वाला है। अगर एक प्रीमियम रेंज का फोन का प्रोसेसर इस फोन में मिल रहा है, मतलब इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होने वाले है, ऐसा मुझे भी लग रहा था। लेकिन इस फोन के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला कि इसका प्राइस रेंज कुछ 22,000 या 23,000 से स्टार्टिंग हो सकता है। जैसे मैंने कहा, अगर ये फोन इस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है तो ये सबसे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करने वाली फ़ोन होने वाली है। वैसे बाकी डिटेल्स भी देखना पड़ेगा कि बाकी फीचर्स कौन कौन सा मिल रहा है इस फोन में। अभी ज्यादातर फोन जो लॉन्च हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा दिया जा रहा है और कुछ ना कुछ कमियां दिया जा रहा है ताकि दूसरा फोन भी सेल हो पाए। जैसे रियलमी GT मास्टर एडिशन, GT मास्टर एडिशन में स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर दिया गया है जो 5G प्रोसेसर है। इसका स्टोरेज स्पीड है 2.2 और इसमें लीनियर स्पीकर दिया गया है। अगर मैं इसके साथ जो रियलमी X7 मैक्स है, रियलमी का जो X7 मैक्स है, उसमें MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट दिया गया है जो Realme GT से ज़्यादा बेटर है। साथ में इसमें स्टोरेज स्पीड भी ज़्यादा बेटर मिलेगा X7 Max में, और X7 Max में Dolby Atmos स्टीरियो स्पीकर दिया गया है जो स्पीकर का क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर मिलेगा X7 Max में। लेकिन Realme GT में वर्चुअल रैम का फीचर्स दिया गया है लेकिन Realme X7 Max में नहीं। Realme का जो GT सीरीज पहली फ़ोन है जिसमें वर्चुअल रैम का फीचर्स दिया गया है। तो अभी ज़्यादातर फ़ोन ऐसे ही लॉन्च हो रहा है, कुछ फीचर्स ज़्यादा मिल रहा है तो कुछ ना कुछ फीचर्स कम मिल रहा है। तो अगर Realme GT Neo 2 22,000 या 23,000 रेंज में लॉन्च होता है तो क्या आप ये फ़ोन लेना पसंद करोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑल कर दीजिए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए।